झारखंड के गोड्डा में साल 2016 में 222 पोषण सखी का चयन किया गया, जिनमें से 145 की नियुक्ति हो गई, लेकिन बाकी पोषण सखी चयन होने के बाद भी अब तक अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं। अपनी मांग ऊपर तक पहुंचाने के लिए कई चरण का आंदोलन हो चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मेहरमा में विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर 77 पोषण सखी धरने पर बैठी हैं। इनका आरोप है कि चयन के बाद जिनकी नियुक्ति हुई उनके साथ विभाग की तरफ से लेन देन की गई, जिन्होंने पैसे दिए उनकी नियुक्ति हो गई, लेकिन जो पैसे देने में सक्षम नहीं थी उनकी नियुक्ति को छोड़ दिया गया। अब विभाग के खिलाफ इन्होंने धरना का सहारा लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह भी साथ आई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने एक तरफ तो चयन के 3 साल बाद तक इनकी नियुक्ति नहीं की, दूसरी तरफ जब ये अपनी मांग को लेकर धरना दे रही हैं तो प्रशासन का कहना है कि धरना की इजाजत नहीं दी गई है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा, गोड्डा के उपायुक्त को 1 अगस्त को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर जो गलती की गई है उसका खामियाजा इन चयनित पोषण सखी महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मेधा सूची में इनका नाम आ गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि किसी अधिकारी का हस्ताक्षर छूट गया है। अगर ऐसा है तो गलती विभाग के पदाधिकारियों की है, तो इसका सजा ये क्यों भुगतें? उन्होंने मांग की जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जाए। मेहरमा प्रखंड परिसर में आज अंतिम सोमवारी के दिन और बकरीद का त्यौहार भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ 50 महिलाएं अपना घर छोड़ करके बैठी हुई हैं। वो आज ही नहीं, यहाँ पर 8 तारीख से लगातार आंदोलन रखे हैं। प्रशासन के द्वारा इनका कोई सुध नहीं लिया गया, और साथ ही साथ यह बहाना बनाया जा रहा है कि इन लोगों ने परमिशन नहीं ली है, जबकि उपायुक्त को इन्होंने 1 तारीख को ही चिट्ठी लिख कर उनकी जानकारी में इस बात को दिया गया। पोषण सखी की बहाली में प्रशासनिक जो गलती 2016 के की जो बहाली थी, जिसकी मेधा सूची जारी करने के बाद पदाधिकारियों की गलती की वजह से जो इनको वापस परेशानी झेलना पड़ रहा है और फिर से नए सिरे से ग्राम सभा करने का आदेश हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा, उसके विरोध में महिलाएं बैठी हुई। मेरा जिला प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि आप लोग इन महिलाओं के शांतिपूर्ण आंदोलन को समझें, और जो गलती प्रशासनिक पदाधिकारी है के द्वारा किया गया है उसकी सजा इन महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। यह पूरी बहाली की प्रक्रिया गंभीर जांच के दायरे में आती है। क्यों 222 में से सिर्फ 77 लोगों पर प्रश्न उठाया गया और बाकी पे नहीं किया गया है? इन्होंने लिखित शिकायत करप्शन का, पैसे की मांग इन लोगों से किया गया।